छतरपुर शहर के संकट मोचन मंदिर के भगवान भोलेनाथ अपने रोचक और मनमोहक श्रृंगार के लिए जाने जाते हैं। भक्तों की मान्यता है कि यहां पर आकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से उनकी सारी मान्यताएं पूरी होती हैं। सावन के सोमवारों में भगवान शिव का सुंदरतम श्रृंगार होता है और इसके लिए दिनेश शर्मा हर सोमवार को यहां पर आकर भगवान भोलेनाथ को विभिन्न रूपों से सजाते हैं। सावन के दूसरे सोमवार यानी कि 29 जुलाई को यहां पर भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान भोलेनाथ के इस शिवलिंग में अयोध्या के रामलला की प्रतिमूर्ति नजर आई, जो लोगों को सहज ही आकर्षक और सम्मोहित कर रही थी। इस विशेष श्रृंगार को देखने के लिए भक्तों की कतार शाम को भी लगी रही। गौरतलब है कि पिछले 76 वर्ष से लगातार रामधुन और अखंड कीर्तन का आयोजन भी संकट मोचन मंदिर में किया जाता है, जो कि लगातार इस वर्ष भी जारी है। यही वजह है कि सोमवार होने के चलते और विशेष श्रृंगार को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और दर्शन लाभ ले रहे हैं। जी, आज सावन के दूसरे सोमवार पर कैसा श्रृंगार हुआ है भोले बाबा का? भोले बाबा का दिनेश महाराज के द्वारा श्रृंगार किया गया है रामचंद्र जी का आज दूसरे सोमवार को, और ये 76वीं साल अपना अखंड कीर्तन चल रहा है और रामधुन जी, और अभी 3 श्रृंगार और होंगे वही के लिए महाराज के द्वारा होंगे, और बाद में 8वीं सोमवार को भंडारा किया जाएगा, विशाल भंडारा होगा। आज सुबह से भक्तों की कैसी भीड़ लगी रही, क्या क्या सुबह से 4 बजे से भक्तों का तांता लगा रहा है और आखे सुबह 4 बजे से चलते रहे हैं। जनता पूरे दिन आती रही, अभी भी शाम की जनता आ रही है, और यह भोले बाबा का सवेरे से आखे चलता रहा है।